राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का प्रतीक है कि हिंदू धर्म के इस अपमान पर शशि थरूर को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। थरूर साहब को ट्वीट करने के बजाय त्रिवेणी संगम पहुंच जाना चाहिए, कम से कम गंगा स्नान कर लेंगे तो कई जाने अनजाने पाप हो सकता है धुल जाए। इस प्रकार की भाषा को देश में कहीं कोई स्थान नहीं है और श्री राहुल गांधी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, शशि थरूर मर्यादा तोड़ रहे हैं। क्या स्नान सूट बूट में होता है? स्नान ऐसे ही होता है। ये जब कूदेगा तो गंगा खुद वापस चली जाएगी छोड़कर। राहुल गांधी जी का एक ऐसा न्यूज आ रहा है कि वो जाकर कुंभ में नहाने वाले, तो अब क्या शशि थरूर जी ऐसा ट्वीट उनपे भी करेंगे या राहुल जी अब शशि जी के ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए पूरे कपड़े पहनकर ही स्नान के लिए जाएंगे? पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु पापम तापम दैन्यम चा हरन्ति संत समागमा। कहा गया है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु और पापम तापम दैन्यम चा हरन्ति संत समागमा। गंगा ने सिर्फ पाप को ही दूर किया और गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप को दूर करती है गंगा और हमारे मन की शुद्धि, मन को शुद्ध करती है और हमारे सुख शांति के लिए गंगा में डुबकी हम लोग लगाते हैं। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आपने सुना ना, गंगा न केवल तन की शुद्धि दूर करती है, अशुद्धि दूर करती है, बल्कि मन की शुद्धि भी दूर करती है। और सदियों सदियों से ये आदमी पवित्र होता आया है गंगा में डुबकी लगा करके। और यहाँ प्रयागराज कुंभ में जहाँ पर हम मौजूद हैं, कहा जा रहा है कि जब तक ये कुंभ समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, लगभग 12 करोड़ ऐसे श्रद्धालु होंगे जो कि यहाँ डुबकी लगा चुके होंगे, अपने पापों को धो चुके होंगे। कहा जाता है कि कुंभ में किसी को बुलाया नहीं जाता, यहाँ पर राजा भी आता है, यहाँ पर रंक भी आता है, यहाँ पर मिनिस्टर्स भी आते हैं, यहाँ पर तमाम लोग भी आते हैं। तो ऐसे में कल हमने देखा योगी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद थी, मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर डुबकी लगाई और उसके बाद हमने देखा शशि थरूर ने उस स्नान को फोटो पिक करके उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में ये लिखते हैं कि गंगा में पाप भी धोने हैं और गंगा को मैली होने से भी बचाना है, संगम में सब नंगे हैं, हर हर गंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ताल ठोक के हम ये पूछ रहे हैं कि हिंदू आस्था का अपमान कांग्रेस के लिए क्या सबसे आसान है? जब मन करता है हिंदू की आस्था पर सवाल उठा दिया जाता है। 2019 की कुंभ क्रांति क्या कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है? तीसरा बड़ा सवाल, कुंभ का अपमान करने वालों पर राहुल चुप क्यों हैं? चौथा बड़ा सवाल, राहुल की डुबकी, क्योंकि यहां पर राहुल खुद आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि राहुल यहां पर डुबकी लगाएंगे, राहुल जनेऊधारी हैं, राहुल जब डुबकी लगाएंगे वो तो पुण्य है लेकिन योगी की डुबकी क्या पाप है? चौथा बड़ा सवाल, कुंभ के अपमान पर क्या जवाब देंगे राहुल गांधी, क्योंकि अब तक राहुल गांधी इस पर खामोश हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, यहाँ कुंभवासियों का अपमान है, जो कुंभ में अपने पाप धोने आ रहा है उसका अपमान है। और छठा बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है? यानी कि जब सवाल आता है चुनाव का तब हिंदू हिंदू याद आता है, वरना हिंदू भूल जाता है। तमाम मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, बहुत बहुत स्वागत कीजिए। और मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा, कुंभ नगरी में ना केवल ये मौजूद हैं बल्कि कल जिस वक्त स्नान हुआ था तब भी आप वहां पर थे, ठीक है मंत्री जी, कल आप वहां पर थे, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। बाकी मेहमानों का भी तारुफ दे दूं, दान बहादुर यादव है समाजवादी पार्टी से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अनिल तिवारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्रानंद सरस्वती है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरी शंकर दास जी है, संजय वासुदेव है हमारे साथ धर्मगुरु एस्ट्रोलॉजर, गार्गी पंडित जी हैं धर्माचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तांत्रिक रमेश जी महाराज है, रमेश जी महाराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूर्य प्रताप शाही जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, आप कल वहाँ पर मौजूद थे, संगम में आप डुबकी लगाते हैं, आपकी फोटो को ही ट्वीट कर देते हैं वहाँ पर शशि थरूर
और कहते हैं कि संगम में सब नंगे हैं। सर वो आप पर तंज कर रहे थे, राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन बेहतर हिंदू, वो क्या कर रहे थे? देखिए, गंगा और संगम तट पर तो वस्त्र उतार करके ही स्नान होता है। अब उसके बारे में जो वो कह रहे हैं, वो पूरे हमारे अरबों की संख्या का जो हमारा देश है, 1 अरब से भी ऊपर हमारी जनसंख्या है, ये पूरे देश की जनता का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है। और उन्होंने जो वो अपने से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि गंगा को तो कांग्रेस ने ही मैली किया और खुद कांग्रेस मैली हो चुकी है, तो अब वो इस बात को कह करके, हम लोगों ने तो कम से कम गंगा को साफ करने का काम भी किया है और ये पूरी कैबिनेट का स्नान किया जाना इस बात का प्रतीक है कि गंगा का काफ़ी जल स्तर अच्छा किया गया है, संगम तट का जल स्तर अच्छा हुआ। पूरी कैबिनेट स्नान करके संदेश देती है कि गंगा जी की सफाई हुई है और उसमें स्नान करने योग्य पानी है। आपको लगता है कि क्या ये हिंदुओं का अपमान है? क्योंकि इससे पहले शशि थरूर कह देते हैं जो हिंदू मंदिर की बात करता है वो बैड हिंदू है, अब वो कहते हैं आप लोग यहाँ स्नान करते हैं और सिर्फ आप लोग नहीं, कम से कम 12 करोड़ यहाँ स्नान किया जाएगा। क्या हिंदुओं की आस्था इतनी छोटी है कि कोई भी उस पर चोट पहुंचा देता है और राहुल गांधी इस पर चुप हैं? आपको लगता है इस पर राहुल गांधी की मौन स्वीकृति है? निश्चित रूप से उनको इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस और उनका क्या मत है शशि थरूर के इस ट्वीट के बारे में, और जो उन्होंने ट्वीट करके ये पूरे देश के आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। हमारे देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, आज की ये बनी हुई नहीं है, हजारों साल से और ईसा के सदी के पूर्व से ये परंपरा चली आ रही है प्रयागराज की। उस प्रयागराज की आस्था पर उन्होंने एक तरीके से चोट पहुंचाने का काम किया है, और जो कांग्रेस की एक सोच की जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता, उसका ये प्रतीक है। लेकिन दान बहादुर जी, अखिलेश भी आए थे यहाँ पर स्नान करने के लिए, उन्होंने तो कोट पैंट पहन के स्नान नहीं किया था, हमने नहीं देखा, या फिर क्या आशय है? आपको लगता है कि आप साथ देते हैं लेकिन कांग्रेस जो है बार बार हिंदुओं का ही अपमान करती है, वैसे कहने को हिंदुओं की पार्टी है? देखिए, उनके अपने विचार हो सकते हैं। माननीय अखिलेश जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ स्नान किया, और मैं तो बात करूँगा गंगा की सफाई की। गंगा जब तक साफ नहीं होगी तब तक जो है, शशि थरूर ने, कांग्रेस ने यहाँ पर हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, कुंभ का अपमान नहीं किया है, संगम में तो सब नंगे हैं, वो ये कह रहे हैं। सर, ये शशि थरूर का विषय हो सकता है, कांग्रेस का विषय है कि नहीं? कांग्रेस आपकी साथी है कि नहीं? गंगा की सफाई की बात कर रहा हूँ। आप इसके साथ हैं? आपको लगता है हिंदुओं का अपमान हुआ है? आपको लगता है कि हिंदुओं का अपमान हुआ है? आपको लगता है कि हिंदुओं का अपमान हुआ है, या फिर आपकी मौन स्वीकृति है? गंगा की सफाई पर आपको लगता है हिंदुओं का अपमान हुआ है? दान बहादुर जी, आपकी मौन स्वीकृति है? महात्मा यहाँ धरना दे रहे हैं, गंगा की सफाई नहीं हो रही है, करोड़ों और रुपए बर्बाद कर दिया गया। शशि थरूर ठीक कह रहे थे, नहीं हो पा रही है। शशि थरूर ठीक कह रहे थे, पानी आज दान बहादुर जी घुमाइए ना, दान बहादुर जी घुमाइए नहीं, शशि थरूर ठीक कह रहे थे। बिल्कुल, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं तो किसानों नौजवानों की बात करने वाला हूँ। शशि थरूर ने ठीक कहा, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर ने ठीक कहा, हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस बात पर जोर देते हैं। शशि थरूर ने ठीक कहा, देश, शशि थरूर ने ठीक कहा, यानी कि आप उनके अपने विषय हो सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, मिले हुए हैं, इनकी सहमति है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या शशि थरूर ने ठीक कहा कि संगम में सब नंगे नहीं आ रहा हूँ? ये उनके अपने विषय हो सकते हैं, अपमान किया गया है, इसको जितने भी जो भी उनके समर्थक है या उनके समर्थन करने वाले सबको माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी को सबसे पहले ऐसे जो हिंदू विरोधी ताकत है उनको माफी मांगने के लिए या पार्टी से बाहर करनी चाहिए, अन्यथा 2019 में जो हिंदू विरोधी ताकत है उनको उसके मुंह खानी पड़ेगी और उसके कमियां जो भोगनी पड़ेगी। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि अपमान हुआ हिंदुओं का यहाँ पर? कम से कम संगम में सब नंगे हैं, गंगा में हमारी आवाज है कि नहीं? हाँ, बोलिए बोलिए। संगम में नहीं, हमाम में सब नंगे हैं। सर, उन्होंने ट्वीट किया है, संगम में तो सब नंगे, हमाम में सब नंगे कहा जाता है ना, कि हमाम में सब नंगे हैं। आपको लगता है इससे हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ? ये कांग्रेस ने जो तंज करके नहीं, हिंदुओं की आस्था इतनी इतना सस्ता हिंदू का अपमान हो जाएगा, इतना सस्ता समझते हिंदू का अपमान हो जाएगा? नहीं, आपको लगता है कि अलंकृत हुआ है? हिंदू अलंकृत हुआ है क्या? नहीं नहीं, अलंकृत है, हमाम में सब नंगे हैं। सर, उन्होंने संगम सभी नंगे, उन्होंने संगम में तो सब लोग है ना, संगम में तो सब लोगों ने डुबकी लगाई, सबके लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति को उसकी अपनी विचारधारा है कहा होगा, लेकिन अमूमन कहा जाता है राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? जल्दी नहीं हो जाता, इतनी चिड़ क्यों है? हवा ना बनाया जाए कि हिंदू अपमानित हो गया, हम अपमानित नहीं, नहीं होते, हम नहीं, तो अपमानित उससे हुए हैं। नहीं, ठीक है, गार्गी जी, क्या हिंदू अपमानित नहीं हुआ? क्या इससे हिंदू अपमानित नहीं होता है? गंगा पापम शशि तापम, अभी जो ये श्लोक यहाँ पर बोला गया, गंगा पाप को हरती है और शशि ताप को हरता है, पर यहाँ तो शशि ने संताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया, यहाँ हरण करना था ताप का, उल्टा उल्टा कर दिया, ताप को बढ़ा दिया। गंगा जी में कोई भी आ सकता है,
पापी ही आ सकता है ऐसा नहीं, पापी भी आ सकता है, पापी भी यहाँ आकर शुद्ध होता है और पुण्यशाली यहाँ आकर पुण्य अर्जित करता है। गंगा का अपमान तो रमेश जी वही कर सकता है जिसने गंगा स्नान किया ही नहीं, लगता है उन्हें गंगा स्नान की जरूरत है। अब यहाँ पर आप गंगा स्नान करवाइए, प्रश्न उनसे करिए ना, हमसे क्यों करते हुए प्रश्न यार। सर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू का अपमानित नहीं हुआ? नहीं, हिंदू कभी अपमानित होता ही नहीं, हिंदू का कोई अपमान करने की हिम्मत ही नहीं किसी में, हिंदू सदैव अपमान विहीन है, उसको अपमान मान अपमान इतना नहीं। आसान है हिंदुओं का जो जिसे कहते हैं आस्था गरिमा कि कोई भी आए कुछ भी कह करके चला जाता है, अगर हिंदुओं का अपमान होता है। देखिए इस देश के भीतर एक परंपरा बन गई है कुछ लोगों के द्वारा कि जो सदैव हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं और लगातार ये कोशिश रहती है, कभी वो कहेंगे कि राम सेतु है ही नहीं है, कभी कहेंगे कि नहीं जो है वो गंगा में स्नान करना, अब जैसा कल उन्होंने कहा है कि ये जो है वो अपना मैल धोने के लिए आ रहे हैं, तो सारे देश भर में तो मैल कांग्रेस ने फैलाया और जब ब्रिटिश हुकूमत में पर कांग्रेस के अध्यक्ष तो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं, वो तो ब्राह्मण है, उन्होंने तो जनेऊ धारण किया हुआ है, जनेऊ में आने वाले हैं, जनेऊ जो है वो कोई भी जनेऊ तो कुर्ते के ऊपर वो धारण करते हैं, कभी बोलते हैं कि राम ऐतिहासिक नहीं है, कभी बोलते हैं कि गंगा में सब संगम में सब नंगे हैं, कभी कोई बोल देता है कि हनुमान जी दलित है। राजनेता धर्म के विषय में कोई भी बकवास अंदरगल प्रलाप कर सकते हैं क्योंकि, और हिंदुओं के विषय में ही करते हैं, कहीं हिंदू धर्म के अलावा कोई भी आप प्रलाप करके देखो तो इसलिए ना शायद रमेश जी जैसे को बुरा नहीं लगता है, वो कहते हैं कि नहीं इस कारण से हिंदू इतना सहिष्णु हो जाता है। नहीं कर सकता हिंदू अपमान, आचार्य वासुदेव इसका जवाब देना चाहते हैं, ठीक है धन्यवाद, जाते हैं आपके पास आचार्य वासुदेव। देखिए दरअसल प्रॉब्लम ये है कि सनातन धर्म के बारे में उनको पता ही नहीं है, जिसका ज्ञान ही नहीं है उनको, उनके उनको क्या पता कि गंगा में क्या शक्ति है, माँ भगवती में क्या शक्ति है, जब आखिरी समय आएगा तो इसी में आएंगे, वो माँ के चरण में आके रोएंगे और तब इनको समझ में आएगा कि हिंदू क्या है और हिंदू धर्म क्या है। दरअसल संस्कारहीन हो गए हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है कि बड़ों का सम्मान कैसे, और पूरी पार्टी एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई मंदिर नहीं छोड़ा वो गए, कोई मंदिर नहीं छोड़ा वो तो अयोध्या तक हुआ है, हर जगह चले गए, सबसे बड़े हिंदू है, लेकिन अब इस पर चुप। एक बहुत रुपया होता है जो कभी कोई रूप धारण कर लेता है, कभी कोई रूप धारण कर लेता है पब्लिक को खुश करने के लिए, ये पूरी पार्टी रूप धारण करके बैठी है। इतना आसान काम है कि आप संतों को और आप ऋषियों को आप कहते कि नंगे हैं यहाँ पर, ये इनका दुर्भाग्य है, ये हम लोग का नहीं, और हिंदू धर्म का अपमान करके वो क्या रह सकेंगे यहाँ पर, कभी नहीं। ठीक है प्रेम, एक सेकंड, मेरे साथ वहां से प्रेम शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, हिंदुओं का सम्मान या हिंदुओं की आस्था इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर के उसका मजाक बनाकर चला जाता है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे राहुल गांधी से जवाब मांगा गया, 24 घंटे होने को आए वो बिल्कुल चुप है, राहुल की मौन स्वीकृति है क्योंकि आना उन्होंने भी है यहां पर डुबकी लगाने के लिए। देखिए शशि थरूर के बारे में कहना चाहूंगा, शशि थरूर आप अंग्रेजी दा बने जरूर, लेकिन आप जो है अंग्रेजी दा बनते हुए हिंदुत्व का अपमान करने का ना करें गुरूर। ये बारंबार जो इस तरह से अपमानजनक बातें होती हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिंदुओं को अपमानित करने की बातें क्यों होती है? चुनाव के समय तो जनेऊधारी हिंदू बन जाएंगे, उनका गोत्र जाम आएगा, उसके बाद जिसे चुनाव खत्म हो जाएगा उनके पार्टी के लोग इस तरह की बातें करेंगे। मुझे लगता है कि शशि थरूर जी जब जन्मे होंगे तो वस्त्र के साथ जन्मे होंगे, क्योंकि माँ की गोद में तो हर कोई नंगा ही जन्मता है, और गंगा माँ हम सबकी जो पूरी मानवता की माता है, वो समग्र समाज की माता है और इस देश की जीवनदायिनी माता है, मोक्षदायिनी है, उनके गोद में जब कोई अंक में कोई जाएगा तो वस्त्र के साथ जाएगा, ये कल्पना वही कर सकता है जिसका सनातन संस्कृत से, भारतीय संस्कृत से, हिंदू संस्कृत से या तो अज्ञान है या अपमान करने का उसने संकल्प लिया हुआ है। और शशि थरूर विद्वान कहलाते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्ति जब इस तरह की टिप्पणियां करता है तो स्वाभाविक तौर पर उसने जो है सोच समझकर किसी न किसी के इशारे पर समग्र हिंदू समाज को मजा आता है कि हिंदुओं का अपमान करने से। और वैसे तो आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, वैसे आप जनेऊ धारण कर लेते हैं और यहाँ पर संत आज ये पूछ रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सवाल पूछते हैं अब्दुल रजाक, संत आज पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जब राहुल गांधी आएंगे डुबके लगाने के लिए अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो क्या वो कोट पर पहन के आएंगे या शशि थरूर ने बयान उनसे पूछा नहीं? सचिन जी देखिए, बात धर्म पर राजनीति की हो रही है। क्यों शशि थरूर जी ने ऐसा ट्वीट किया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो उनको अपनी कैबिनेट मीटिंग करना था वो लाकर प्रयागराज में करें,
कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के कस्टोडियंस बीजेपी हैं। दरअसल बात ऐसी नहीं है, ना कोई राजनीति कर हिंदुओं के साथ देश में राजनीति नहीं होगी, कोई लिखते कि गंगा में इतना टन कचरा फैलाया गया या गंगा की स्थिति है। सर आप यहाँ मजाक बना रहे थे, वहाँ पर ये देखिए सूर्य प्रताप चाही हमारे साथ है और तमाम मंत्री मौजूद थे, वहाँ मुख्यमंत्री की तस्वीर को नहाते हुए स्नान करते हुए ट्वीट करते हैं और उसके बाद लिखते हैं आचरण कर रहे थे सर का, और जब सर ये जुबान इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान सर आप किसी के स्नान करते हुए तस्वीर डालते हैं ट्विटर पर और कहते हैं कि संगम में जो आया नंगे हैं। सर संगम में यहाँ पर लाखों लोग रोज स्नान कर रहा है वो सब नंगे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप राजनीतिक इस्लाम के साथ कर दे तो आप कंजाक बन जाएंगे तत्काल हमारे खिलाफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आचरण तो एक साधु का है, योगी जी को करीब से देखिए, आचरण तो एक साधु का है लेकिन जहाँ भी जाते हैं जहर घोलते हैं, कहीं जाते हैं बोलते हैं कि इसको भगा देंगे, कहीं जाते हैं बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रदेश के लोग इनको सत्ता में लाए इसलिए, प्रदेश की तरक्की के लिए। आज उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे ज्यादा खर्चदार स्टेट है। आप यहाँ डेवलपमेंट की बात कीजिए, स्नान कर रहा है उस व्यक्ति की राजनीति को उठा करके तमाम संगम वासियों को कहते हैं कि संगम में सब नंगे हैं सर, और फिर आप उसको बेशर्मी से यहाँ पर डिफेंड भी करने लग जाते हैं। प्रेम शुक्ला उसके पास सूर्य प्रताप चाहिए, पूरी फोकल पॉइंट तो योगी जी हैं। अरे वो ट्वीट तो योगी जी पर हुआ है। आप कृपा करके ये मजाक कर रहे हैं, पहले बताइए ना, अगर इसी तरह की टिप्पणी अगर उन्हें इस्लाम के संदर्भ में कर दी होती, अगर इसी तरह की टिप्पणी मेरी बात सिंपल है, जब आपको राजनीति अभी राजनीति कबूल हो रहे होते, धर्म का पालन करना है तो धर्म पालन करने पर आप जैसे साधु के देश में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए रज्जाक आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर इसी तरह की टिप्पणी कोई व्यक्ति उमरा करने जाने वाले व्यक्ति या हज करने जाने वाले व्यक्ति पर कर दे तो अभी रजाक जो है तत्काल उसके खिलाफ आग बबूला हो जाएंगे, इस्लामी फतवे आने लगेंगे, उसकी जान पर खतरा बन जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ेगी। हमारी सहिष्णुता का आप अधिक से अधिक मजाक उड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं बहुत आसान होता है। सूर्य प्रताप शाही यहाँ पर हिंदुओं को बहुत आसानी से बैन कर देना कि हिंदू आतंकवादी भी है, फ्रंट टेररिज्म भी है, और फिर उसके बाद ये कहना हिंदू हमें वोट भी दे और ये कह देना संगम में सब नंगे, और इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब्दुल रजाक उसे डिफेंड कर रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही देखिए, ये जो मैंने कहा कि ये उनके मानसिकता और सोच की बात है, कभी भी वो इस्लामिक या ईसाई लोगों के ऊपर एक टिप्पणी करने की साहस और हिम्मत नहीं रखते, न कभी किया है। और हिंदू भाव जो है वो सर्वधर्म धर्म संभाव का है, कभी भी वो किसी की न निंदा करता है न आलोचना करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके इस देश के आस्था के प्रतीकों को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपराओं पर निरंतर चोट पहुंचाने का काम करती है और उस पर सवाल उठाती रही है। मुझे दुख है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके ऊपर चुप हैं, मौन है, और अभी तक अपने पार्टी के सदस्य के इस टिप्पणी के ऊपर अभी तक जो है उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। एक तरीके से उसकी मौन सहमति है। और इसका मतलब यह हुआ, नहीं मेरे पहले सवाल सुनिए, इसका मतलब यह हुआ जैसा कि प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं और सूर्य प्रताप शाही भी कह रहे हैं, यही टिप्पणी अगर किसी और यूं कहें कि धार्मिक रिचुअल पर की जाती, वो कह रहे हैं उम्रा पे की जाती, तब भी आप जाते हैं और अपने उस रिचुअल को निभाते हैं, क्या तब भी इस तरीके से होता है? समाजवादी सड़कों पे आगे होती सर, असहिष्णुता की ब्रेक, अवार्ड वापसी की ब्रिगेड, अब तक पता नहीं कहां होगी होती सर, तमाम अवार्ड वापस हो गए होते। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, यह देश सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। किसी और धर्म पे ट्वीट किया होता, किसी और धर्म में कहा गया होता कि यहाँ पर जो समूह खड़ा है वो सब नंगा है, जो समूह खड़ा है वो सब नंगा है, तब भी ऐसे ही होते? अब तक सड़कों पे आ रहे होते अखिलेश यादव के नहीं आए होते? भूखे भजन नोए को हिंदू की बात मत कीजिए, बाकी सब बात कर लीजिए सर, हिंदू की बात मत कीजिए। अगर लगता है समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा लग रहा है उनके बातों से। देखिए मैं गुप्ता जी एक कमेंट, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी बोलिए गुप्ता जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी के मित्र जिस तरीके से ट्रैक को चेंज कर रहे हैं गंगा की आस्था पे, और जो टिप्पणी हुई है जिन्होंने भी कहा सब नंगे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लाखों लोग यहाँ गंगा स्नान करते हैं, और हिंदू ही नहीं तमाम देशों के ईसाई भी लोग स्नान कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम भी आके यहाँ स्नान किए हैं। गंगा सबकी है, गंगा किसी एक धर्म की नहीं है, और इस तरीके की टिप्पणी करके माँ गंगे का अपमान है,
हमारे पूरे सनातनी धर्म का अपमान है। और मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर उनमें साहस है तो अन्य धर्मों के लिए भी कुछ टिप्पणी करके दिखाएं। आज मैं कह सकता हूं कि आज ये हमारे ये कुंभ सब लोग जिनकी खुद की सरकार थी 2013 में, जिनकी खुद की सल्तनत थी, सूबे के मुखिया अखिलेश यादव जी, उस समय उनको गंगा जी की याद नहीं आई, उस समय गंगा स्नान करना उन्होंने उचित नहीं समझा। आज वो गंगा स्नान करने आए हैं, उनका स्वागत है, प्रियंका जी का भी स्वागत है, राहुल जी का भी स्वागत है, सब लोग आओ गंगे में डुबकी लगाओ। और ये कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ हमारी पार्टी ने नारा किया है, उसको चरितार्थ करो। समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था नदियां साफ होनी चाहिए, हिमालय सुरक्षित होना चाहिए, तो ये उनका नारा था। नदिया साफ की बात करते हैं, साफ की बात मैं कह रहा हूं, नदिया साफ की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये आंकड़े हैं, आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, सर आप सारे संघवासियों को निंदा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं किसी और धर्म में इतनी सहिष्णुता है, राम बहादुर जी किसी और धर्म में इतनी सहिष्णुता है, किसी और धर्म में इतनी सहिष्णुता है, यानी कि आपकी सहमति है इनको क्या अपमान कर, आपकी सहमति है, आपकी सहमति है, ठीक आप घुमाइए, आप घुमाइए बस सर, सुरक्षा की बात करते हैं, मेरा सीधा सवाल था, राजनीति में एक आचार्य वासुदेव, एक पूरी एक बात बीच में मैं श्रोता की तरह सुना हूँ, एक बात मेरे मन में आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ आपको। जब राजनीति में विजन समाप्त हो जाता है तो राजनीति को स्टंट बना लेते हैं लोग, और जिसके पास विजन नहीं है वो इस तरह की हरकतें इलेक्शन से पहले करता है। इन्होंने जो हरकत की है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, ये हर हिंदुस्तान का धर्म में जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं लोग, वो बिल्कुल गलत बात है। गुप्ता जी बात सही है, यहाँ मुसलमानों ने भी आके श्रद्धा से अपने सिर झुकाए हैं, वो राष्ट्रीयता है, हिंदू धर्म राष्ट्रीयता है, बिल्कुल इस बात को उसके बाद अब्दुल रजाक से सवाल लूंगा। आपको लगता है, आप अपॉलिटिकल आदमी है, किसी पार्टी के नहीं है, आप यहाँ कुंभ में मौजूद हो, आपको लगता है राहुल गांधी जिन्होंने यहाँ पर आना है अपनी बहन के साथ, जो एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए, यहाँ पर शशि थरूर ने उनके लिए एक सेल्फ गोल कर दिया है, 12-13 करोड़ संगम में डुबकी लगाने आएगा और वो सब नंगे? भाई अब वो ये प्रश्न शशि थरूर से करना चाहिए ना आप लोगों को, हमसे क्यों करते हो? आपको लगता है कि ये कोई सेल्फ गोल है कांग्रेस का? अब क्या गोल है, कांग्रेस नेता लोग जाने ना, अब शाही जी बैठे हैं, अभी देखे हमारे मुख्यमंत्री जी कहे हनुमान जी दलित हैं, बीजेपी का एक नेता बोलता है हनुमान जी मुसलमान हैं, ये क्या है? ऐसा मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था, आप उसको तोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे भाषण में ये बात कही थी कि हनुमान जी ने वनवासी गिरिवासी कमजोर दलित सबको एकत्रित करके और उन्होंने श्री राम के सेना का सहयोग किया और वनवासियों का कार्य नहीं किया था, लेकिन वो ठीक है, उस पर हमने उस वक्त भी चर्चा की थी, आपको मालूम है। उन्होंने ये नहीं, सचिन जी चर्चा इस समय इस चीज पर होनी चाहिए कि शशि थरूर क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस समय चर्चा होना चाहिए कि हमारी रोटी कैसे चले, अस्पताल कैसे चले, इस पर चर्चा होना चाहिए, उस पर भी राजनीतिक चर्चा है, वोट की चर्चा है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक की चर्चा, व्यक्ति राजनीतिक सचिन जी मुख्य रूप में जिन्होंने भी इस प्रकार के आस्था पे जो भी जन भावनाओं से करोड़ों लोग आज विदेशों देश विदेशों से आकर के स्नान कर रहे हैं, उस पवित्रता को महसूस कर रहे, उस समय पे ऐसे बयान देना ये सनातन धर्म के खिलाफ है। अब्दुल रजाक यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी आना है अपने काजारा स्नान करने के लिए, राहुल गांधी ने साथ आना है, उत्तर प्रदेश से आपने एक नई पारी की शुरुआत करनी है, खुद को बड़ा हिंदू बताना है, लेकिन उससे पहले हिट विकेट करवा दिया राहुल गांधी को यहाँ पर शशि थरूर ने, क्या कहेंगे आप? इसको गलत तरीके से ले रहे हैं सचिन जी, ये कोई हिट विकेट नहीं है, ये इंडिविजुअल योगी आदित्यनाथ जी पर ये टिप्पणी की गई है, इसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना है। देखिए धार्मिक काम करने के लिए धर्म के अधिकारी हैं, बहुत सारे हैं, संत समाज है, लेकिन आप अपना आचरण एक साधु का रख के एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसके अंदर राम राज्य जाने वाले व्यक्ति पर अभी टिप्पणी कर देगा तो आपके एनकाउंटर पर आप हो जाएंगी, मासूमों की हत्या करवा दिए को नंगा करने वाले, बिना सबूत बिना वजह डायरेक्ट आप 1600 एनकाउंटर मक्का शरीफ प्रदेश का युवा देखिए, प्रदेश का किसान देखिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए आपने किया क्या, डेनिस आप संविधान से ऊंचे हो गए, उस कार्टून के ऊपर हो गए,
जवाब देना है, जवाब तो शशि थरूर को देना है कि उन्होंने किस भावना से अपमानित करने का काम किया है। मैं टाइमर दे देता हूं क्योंकि यहां पर संत भी मौजूद है, यहां पर मिनिस्टर भी मौजूद है, आवाज ऐसी नहीं आ रही है। मैं 40-40 सेकंड का टाइमर देता हूं, अब्दुल रजाक 40-40 सेकंड का टाइमर देता हूं। सबसे पहले आप, फिर प्रेम शुक्ला जी, फिर उसके बाद यहां पर सूर्य प्रताप चाही जी। मैं सबसे पहले अब्दुल रजाक आपको, आपसे ये जानना चाहता हूं, यहां पर राहुल गांधी स्नान करेंगे, लगभग 12-13 करोड़ लोग यहां पर स्नान किएगा। उन स्नान करने के बाद लोगों को हाथ जोड़ करके कहेंगे कि हमने 2019 की वैतरणी पार करनी है, उन लोगों को जिनको ट्वीट करके उनके एक नेता ने नंगा कहा था, उनसे वोट मांग पाएंगे और वो लोग आपको वोट देंगे, मुझे बताइए। ये सचिन जी देखिए, गंगा माँ पाक है, जो भी आस्था के साथ डुबकी लगाता है वो अपने गुनाह धो लेता है, इसका मान सम्मान तो देश का हर एक नागरिक करता है। योगी आदित्यनाथ जी पर यह टिप्पणी की गई है कि आप धर्म का आचरण करके जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है। आपको राजनीति करना है तो राजनीति कीजिए, आपको धर्म करना है तो एक धर्माधिकारी की तरह धर्म कीजिए। आप ओढ़ लिए, आचरण कर लिए साधु का, और काम क्या कर रहे हैं? राम राज्य के नाम पर आप 1600 एनकाउंटर करवा दिए, फिर भी उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, ना कानून सुव्यवस्था ठीक है, ना किसान खुश है, ना दलित खुश है, ना युवा के लिए आप रोजगार दे सके। आप उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए 24 महीने हो चुके, आपने आज तक किया क्या? आपने ठीक है प्रेम शुक्ला जी, नहीं ठीक है अब्दुल रजाक, मैंने आपको बीच में नहीं रोका इसलिए मैंने आपको 40-40 सेकंड दिए थे। मैं कहता हूँ यही आंकड़े रख देते, वो भूख की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, यही चीज कह दी होती, लेकिन पूरे कुंभ को जद में ले लेना, पूरी बातों को ये कह लेना। मुझे लगता है कि शशि थरूर को हटा करके कम से कम राहुल गांधी को आपको एडवाइजर रख देना चाहिए, कम से कम सेल्फ गोल तो नहीं करेंगे। 40 सेकंड प्रेम शुक्ला आपके, फिर उसके बाद यहां पर सूर्य प्रताप चाहिए। देखिए दुष्टों का दलन करना ये हमारे यहाँ प्रभुताई है और ये हमारे यहाँ सरकार में बैठे व्यक्ति का दायित्व है। प्रभु रामचंद्र जी ने यदि बाल खर दूषण मामा मारीच और रावण का वध नहीं किया होता तो इसको भी एनकाउंटर कह देते। इस तरह की मानसिकता के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मक्का मदीना शरीफ में कोई जा रहा है हज करने या उस पर कोई टिप्पणी करेगा तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा कि राजनेता था ये हज करने क्यों चला गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कुंभ स्नान कर रहे हैं तो उनके कुंभ स्नान पर टिप्पणी करना इसी तरह से है जैसे कोई डैनिश कार्टूनिस्ट कार्टून बना देता है पैगंबर मोहम्मद साहब को, और इस्लाम में वो स्वीकार नहीं है तो आप लखनऊ में आकर, मेरठ में आकर, दिल्ली में आकर दंगे करते हैं। तो इस तरह के दंगाइयों को भी समर्थन करने वाला पाखंड सेकुलरवाद किस तरह से जो है एक हिंदुओं के अपमान करने की प्रवृत्ति से ग्रस्त होगी। 40 सेकंड पूर्व है लेकिन इस पीछे एक बड़ी खबर आ रही है जो मुझे यहीं से देनी है, यहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। मेरे पीछे यहां पर धर्म संसद चल रही थी, एक धर्म संसद कल शुरू होनी है और आज ये जो परम धर्म संसद चल रही थी स्वरूपानंद सरस्वती वाली, उसमें ये ऐलान हुआ है धर्मादेश में मंदिर निर्माण की तारीख उस धर्म संसद में तय कर दी गई है। बड़ी खबर यह है कि 21 तारीख को कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण होगा। इस धर्म संसद में यह आदेश धर्मादेश पारित किया गया है कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन मंदिर निर्माण की तारीख 21 तारीख है। 21 फरवरी को मंदिर निर्माण धर्म संसद की तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ ये ऐलान किया गया है साधु संतों की तरफ से, जो चार शिलाएं लेकर के आई गई थी यहाँ पर दक्षिण से, जिनकी पूजा लगातार हो रही थी, उन चार शिलाओं को अयोध्या में शिला पूजन किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये फिलहाल धर्मादेश आया है और कहा गया है कि कोर्ट का पूरा सम्मान और प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान। धर्म संसद में संतों ने कहा है 21 तारीख अपने तरीके से एक डेट निकाली और इसका ऐलान कर दिया गया है। सूर्य प्रताप चाहिए जिस पर रिएक्ट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर धर्म संसद ने यह था कि कल यहाँ पर सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में जो गैर विवादित जमीन है उसे पर कब्जा हटवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से लेने के लिए यहाँ पर, लेकिन तारीख का ऐलान हो जाता है, यानी कि संत अब भी आपकी बात शायद नहीं मान रहा। देखिए 67 एकड़ जमीन जो है वो 1992 में श्रीमान कल्याण सिंह जी की सरकार ने अधिग्रहित किया था, वो पूरा स्थल अविवादित था और सरकार उसके कंपनसेशन दे रही थी और तय कर लिया था। 6 दिसंबर की घटना के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको खुद जो है वो डिनोटिफाई करके और उस समस्या को उन्होंने लंबित कर दिया और इसलिए
अब स्वामी स्वरूपानंद जी के ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, नहीं, लेकिन उन्हें आप वो तारीख आपसे, क्योंकि लोग आपसे तारीख पूछते हैं कि मंदिर वहीं बनवाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे, तो तारीख जब आपसे पूछेगी, आज संतों ने तारीख का ऐलान कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ फिर लोगों? कभी उसको सरकार को याचिका का फैसला कब आएगा वो कोई नहीं जानता, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में आया नहीं, और याचिका किस विषय में है, 67 एकड़ अविवादित जमीन के विषय में, हमारी बात तो राम जन्मभूमि को लेकर है जो 2.77 एकड़ की बात है, अभी ये 67, हाँ तो अविवादित जो है उसका विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं लोग? सही है जो ये पिटीशन फाइल किया है गवर्नमेंट ने, वो अयोध्या मंदिर नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर धर्म संसद होती है, तारीख बता दी जाती है, कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले वक्त में गुप्ता जी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर संत ये कह रहे थे कि या तो बीजेपी तारीख बता दे वरना हम तारीख बता दें, वो कह रहे 21 तारीख को मंदिर निर्माण होगा। कहना चाहूंगा मैं संतों का पूरा सम्मान करते हुए इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम सरकार में है, उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए एक मर्यादा में बंधे हुए हैं, मगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में मंदिर बनाने का हमारा संकल्प है और हम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा सीएम कैसे बोल सकते हैं? एक मिनट, मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कोर्ट के ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल की हमारी एप्लीकेशन जो 67 एकड़ हमारी गैर विवादित भूमि है हमें रिलीज हो जाए, क्योंकि हमारा मंदिर बहुत भव्य बनना है, हमारे पास बहुत काम है, लेकिन 21 तारीख को कैसे, कोई तो फॉर्मूला होगा, सिर्फ कह देने भर से अनाउंसमेंट से मंदिर हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी मंदिर के लिए कटिबद्ध है, अगर कांग्रेस समाजवादी बीएसपी हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो आके बताएं क्या मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे? मुझे सबसे बड़ी बात है ना, क्या सिर्फ पार्टियों से सचिन जी हम बोलना चाहेंगे, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश में राज न्यायालय की अवहेलना कर राम मंदिर अगर कोई करता है इस राम मंदिर बनाने में सहयोग सरकार की होगी, सब अलग कोई नहीं अपना निभाती है, इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता करेगी। लेकिन साध्वी जी क्या, क्योंकि खुद को एक कम से कम धर्म संसद से अलग रखना था इस कारण से तारीख दी गई है, या फिर कोई फॉर्मूला भी, जब 21 पहले कोर्ट में है तब उसके लिए सरकार कह रही है कि उसने, अगर ये कह देना कि 21 तारीख है तो 21 तारीख इसका मतलब क्या निकाला जाए? ठीक है, पहले आप फिर उसके बाद रमेश जी बोलिए। कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं तो आडवाणी जी रथ लेकर के आए थे, उस समय भी कोर्ट में मुकदमा था, उस समय कोई अपमान नहीं था इस बात का, कोर्ट में मुकदमा था, आडवाणी जी कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, कोर्ट में आडवाणी जी ने प्रतीकात्मक कार सेवा और सरजू किनारे करने की बात कही थी, आने वाले वक्त में थोड़ी सी मुश्किल क्या बढ़ने वाली है कि एक थोड़ा सा रिलीफ था, कल तक ये रिलीफ आया कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार की तरफ से गैर विवादित जगह को कोर्ट में याचिका दी गई कि उसके ऊपर से जो है इसके ऊपर और आज ही संसद कहती है कि 21 तारीख को मंदिर निर्माण होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की उनके सरकार की नेक नियति है कि कल उन्होंने पिटीशन डाला कि आप इसको रिलीज कर दीजिए और रिलीज यदि हो जाती है, पता नहीं भारत तैयार है, अगर राम मंदिर बनाना चाहते हैं सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, एक कमेंट वहां से ले रहा हूं, शंकराचार्य जी का समर्थन करना चाहिए सभी पक्ष मिलकर, एक कमेंट वहां से लेता हूं उसके बाद वापस आ रहा हूं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि यहां पर संतों को मनाना थोड़ा मुश्किल हो गया अब, या फिर एक और जो धर्म संसद होने वाली वीएचपी की वो सरकार के साथ चलेगी, क्योंकि यहां से जो तस्वीरें आ रही है स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद यहां पर कहा जा रहा है 21 तारीख को अयोध्या कूच के दायरे में कोई भी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करे उसका स्वागत होना चाहिए। मैं तो स्वरूपानंद सरस्वती जी जो एक जमाने के जो स्वतंत्रता सेनानी है और कांग्रेस के बहुत करीब भी माने गए, इंदिरा जी के गुरु माने जाते थे, सोनिया जी गुरु माने जाते थे, इनको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंदिर का निर्माण हो सकता है, कांग्रेस के शासनकाल में अयोध्या कभी नहीं गए, तो ये विश्वास स्वरूपानंद जी को भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदरणीय योगी जी की सरकार है उस समय ही मंदिर निर्माण का मुहूर्त हो सकता है, कांग्रेस के शासनकाल में कभी वो शिला लेकर अयोध्या की तरफ नहीं गई, ये साफ संकेत है कि कांग्रेस मंदिर निर्माण की विरोधी है, इस पर अब स्वरूपानंद सरस्वती जी जो हम सबके श्रद्धे हैं वो भी मुहर लगा रहे हैं। ठीक है धन्यवाद, इसका समर्थन करेंगे बहादुर साहब आप, क्योंकि यहाँ पर 21 तारीख यहाँ पर संत कह रहे हैं कि कुंभ तो आपके पहले आपके वक्त पे भी हुआ, कम से कम ये होता था कि मंदिर की बात तक नहीं होती थी, अब एक तारीख बहुत कम पैसे में कुंभ निपटा दिया गया हमारे सरकार में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे, हम लोग मंदिर नहीं बनाना चाहते
बना रहे हैं। अगर वही सर्वोच्च न्यायालय के पालन की बात आप कर रहे हो तो हम पे ये आरोप क्यों लगाते हो कि हम मंदिर नहीं बनाना चाहते। हमारी पार्टी हमेशा कानून की बात करेगी और करती रही है। आपकी पार्टी ने कभी कानून की बात किया ही नहीं है। आपकी वही पार्टी है जो हल्ला बोल जैसी चीजों के आरोप हो सकते हैं। अगर आपने कानून का पालन नहीं किया, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो देश की नौजवानों की है, किसानों की है, बेरोजगारों की है। एक पार्टी ने अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी पार्टी का मसला नहीं रहा। अब शंकराचार्य जी ने समर्थन करनी चाहिए। अगर राम मंदिर बनाने में सहयोग करना है तो शंकराचार्य जी का समर्थन करे सब खुल के। बिल्कुल शंकराचार्य का समर्थन करे, वैसे ही कोई राजनीतिक पार्टी मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि ट्रस्ट और साधु संतों को ही करना है। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि निर्माण के लिए पहली पार्टी है जो सहमत थी और उसके लिए सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का एप्लीकेशन भी डाला हुआ है कि आप हमको उस स्थान को रिलीज कीजिए जिससे कि हम उस रास्ते में आगे की ओर बढ़ें। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि आप जो है वो यदि आप हमको मौका देते हैं तो हम उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट समाधान निकाले या सरकार को समाधान निकालने के लिए छोड़ दे। तांत्रिक रमेश जी 30 सेकंड। ऐसा है कि 4.5 साल सरकार को बीत गए तब राम जन्मभूमि याद नहीं आई, अब अंतिम समय पर राम जन्मभूमि याद आ रही है, अंतिम समय पे गंगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए? लेकिन राम तो खुद से वनवास में, क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? देखिए देखिए, ये लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, बीजेपी ने डाला ना मैनिफेस्टो में वो 10 दिन में करे, 10 महीने में करे, 4 साल में करे, 2 साल में करे। आज इनकी प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है, हम ये कहें कि पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा ऐसा, पहले क्यों नहीं किया, आज ये क्यों लेके आए हैं? ये बहस जारी रहेगी, हम आपको बता दें। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि बीजेपी ने अभी क्यों हो जाती है। यहाँ पर अब सिर्फ सरकार नहीं है, यहाँ पर अब सिर्फ विपक्ष नहीं है जिसके लिए मंदिर का विरोध मुश्किल है, अब यहाँ पर संत भी है। एक परम धर्म संसद 21 तारीख का ऐलान हो गया, एक धर्म संसद कल से शुरू हो रही है वो वीएचपी की धर्म संसद है। यहाँ पर सरसंचालक और तमाम आरएसएस के लीडर्स भी मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार पे दबाव बनाया जाता है, किसी तरीके का और एक्शन होता है या वहां से क्या निकलेगा। अगले 2-3 दिन यहां पर कुंभ नगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सियासी तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल कुंभ क्रांति में इतना ही।